नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिल्मी लाइफ पर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सोल्जर और बेहतरीन एक्टर बॉबी देओल की अपकमिंग मूवीज के बारे में। दोस्तों, अपने करियर में काफी लंबे ब्रेक के बाद बॉबी देओल ने अपनी वेब सीरीज क्लास ऑफ 83 और आश्रम से अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़ दिए हैं और जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया और अप्रिशिएट भी किया। अब हमारे बॉबी देओल सर की बच्चन पांडे, आश्रम 3, एनिमल और लव हॉस्टल जैसी कई फिल्में और वेब सीरीज आने वाली हैं, जिसमें वो बेहतरीन एक्टिंग के साथ साथ कई में विलन का कैरेक्टर भी प्ले करेंगे। तो इन सभी बातों के लिए वीडियो को देखिए पूरा अंत तक, और हमें सपोर्ट करने के लिए दोस्तों आप अपना चैनल फिल्मी लाइफ ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नंबर एक पर बॉबी देओल लेकर आ रहे हैं एक धमाकेदार थ्रिलर फिल्म लव हॉस्टल, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जी प्राइम पर आएगी, वे भी 25 फरवरी 2022 को। बॉबी देओल ने इस फिल्म के लिए चार्ज किए हैं 6 करोड़ रुपए, और इसमें बॉबी देओल एक खतरनाक विलन डागर के कैरेक्टर प्ले करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इसमें विक्रांत मैसे, अहमद शौकीन और सनाया मल्होत्रा ज्योति दिलावर का कैरेक्टर प्ले करेंगी। दोस्तों, बॉबी की लव हॉस्टल एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की लव स्टोरी होगी, और इन्हें रोकेंगे एक खतरनाक विलन डागर यानी कि बॉबी देओल। यह रोल इतना खतरनाक बनाया गया है कि डागर को लोगों को गोली मारना ऐसे है जैसे मूंगफली खाना। और हम जल्द ही लव हॉस्टल की स्टोरी, कॉन्ट्रोवर्सी और सभी बातों पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, बॉबी देओल की लव हॉस्टल को डायरेक्ट कर रहे हैं शंकर रमन, जो कि पीपली लाइव और सैफ अली खान के साथ लाल कप्तान जैसी फिल्में भी डायरेक्ट कर चुके हैं, और इसका म्यूजिक देंगे आशिकी 2 में शानदार म्यूजिक देने वाले जीत गांगुली। वहीं शाहरुख के रेड चिली प्रोडक्शन के अंडर बन रही लव हॉस्टल को 22 फरवरी 2022 को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी प्राइम पर रिलीज किया जाना है। और इसी के बाद नंबर दो पर बॉबी देओल नजर आने वाले हैं अब्बास मस्तान की डायरेक्टेड मूवी पेंट हाउस में, जो कि रीमेक होने वाली है द लॉफ्ट का। ये एक चार दोस्तों की कहानी है जो एक पेंट हाउस को रेंट करते हैं, और उस पेंट हाउस में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। फिर इसके बाद चारों एक दूसरे को इसका जिम्मेदार बताते हैं और इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। पेंट हाउस मूवी में आपको बॉबी देओल के साथ अर्जुन रामपाल, शर्मन जोशी, मोनी राय, त्रिशा चोपड़ा जैसे और भी कई कलाकार दिखाई देंगे। दोस्तों, बॉबी देओल की पेंट हाउस के लिए 4 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं और इसकी शूटिंग भी कंप्लीट हो गई है, जिसके बाद पेंट हाउस मूवी को अप्रैल 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना है। दोस्तों, नंबर तीन पर बॉबी देओल करने वाले हैं एक कैमियो रोल, वो भी अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी बच्चन पांडे में। बच्चन पांडे को डायरेक्ट कर रहे हैं फरहाद साम जी, और इसके पहले हम बच्चन पांडे की कंट्रोवर्सी, कपिल के साथ और भी कई बातों पर वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं इस मूवी में बच्चन पांडे में आपको बॉबी देओल के साथ रितेश देशमुख भी कैमियो रोल करते हुए नजर आएंगे, और बच्चन पांडे को 18 मार्च 2022 तक रिलीज किया जाना है। दोस्तों, इसी के बाद नंबर चार पर बॉबी देओल नजर आने वाले हैं डार्क थ्रिलर मूवी एनिमल में। मोस्ट अवेटेड मूवी एनिमल में आपको बॉबी देओल के साथ रणवीर कपूर, अनिल कपूर और परिणीति चोपड़ा दिखाई देंगी। दोस्तों, एनिमल का टीजर भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसे देखकर लगता है कि आपको इसमें जबरदस्त एक्शन के साथ बाप बेटे के बीच हुई लड़ाई और रणवीर कपूर के पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को दिखाया जाएगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स का माना जाए तो एनिमल में बॉबी देओल निगेटिव कैरेक्टर यानी कि विलन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। वहीं बॉबी देओल की एनिमल के डायरेक्टर और राइटर हैं संदीप रेड्डी वांगा, जो कि अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं, और इसका म्यूजिक दे रहे हैं M.R. राजाकृष्णन, जिन्होंने रंगस्थलम के लिए नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। और बॉबी पाजी की एनिमल को 11 अगस्त 2023 को रिलीज किया जाना है। नंबर पाँच पर बॉबी देओल अपनी सक्सेसफुल वेब सीरीज आश्रम के तीसरे चैप्टर में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, MX प्लेयर पर रिलीज हुई आश्रम के दो पार्ट बॉबी देओल के एक्टिंग करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए हैं, और अब इसके सक्सेसफुल होने के बाद आश्रम का सीजन 3 भी आने वाला है, जिसमें आपको बॉबी देओल के साथ चंदन रॉय, अदिति पोहनकर, त्रिथा चौधरी और अनुप्रिया गोयंका जैसे कई कलाकार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बॉबी पाजी की आश्रम को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रकाश झा, और अभी पिछले साल अक्टूबर के महीने में आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान प्रकाश झा पर आश्रम 3 के नाम को लेकर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया था। तो दोस्तों, बॉबी देओल की बेहतरीन एक्टिंग वाली सीरीज आश्रम 3 आपको अप्रैल 2022 में
OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर देखने को मिलेगी। दोस्तों नंबर 6 पर बॉबी पाजी नजर आने वाले हैं रैम्बो मूवी में, जिसमें आपको टाइगर श्रॉफ लीड रोल में और विलन का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे बॉबी देओल। दोस्तों बॉबी देओल की रैम्बो हॉलीवुड के सिल्वेस्टर स्टालोन की रैम्बो की रीमेक होगी और इसके डायरेक्टर होंगे बैंग बैंग और वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। और रैम्बो मूवी आपको 2023 में पर्दे पर देखने को मिलेगी। दोस्तों नंबर 7 पर बॉबी देओल लेकर आ रहे हैं अपने का सीक्वल अपने 2, और इसमें आपको अपने की ही तरह सन्नी पाजी, धर्मेंद्र पाजी और बॉबी पाजी एक साथ दिखाई देंगे। वहीं इन्हें ज्वाइन करेंगे बॉबी देओल के भाई सनी देओल के बेटे करण देओल। और यह मूवी भी बॉक्सर की स्टोरी लाइन पर बेस्ड होगी और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं अनिल शर्मा, जो कि इससे पहले अपने को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। और इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके बाद आपको यह 2023 के मिड तक पर्दे पर देखने को मिलेगी। और 7 पर बॉबी देओल नजर आएंगे साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बन रही हाउसफुल 5 में। आपको हाउसफुल 5 में बॉबी देओल के साथ अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, श्रेयस तलपड़े, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और जैकलीन फर्नांडिस जैसे और भी कई सितारे दिखाई देंगे। और हाउसफुल को डायरेक्ट कर रहे हैं फराज सामजी, जो कि इससे पहले हाउसफुल के और भी पार्ट डायरेक्ट कर चुके हैं। और साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बन रही हाउसफुल 5 आपको 2023 के एंड तक पर्दे पर देखने को मिलेगी। नंबर 9 पर बॉबी देओल नजर आने वाले हैं अपनी क्राइम एक्शन ड्रामा मूवी बिच्छू के दूसरे पार्ट यानी कि बिच्छू 2 में। और बिच्छू 2 के डायरेक्टर गुड्डू धनोआ अभी इसकी स्क्रिप्ट के एंड पार्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके पूरा हो जाने के बाद जल्द ही बिच्छू 2 की शूटिंग शुरू की जाएगी और 2024 की स्टार्टिंग तक बिच्छू 2 को रिलीज किया जाएगा। नंबर 10 पर बॉबी देओल अपने पिता धर्मेंद्र देओल के साथ चीयर्स मूवी में नजर आने वाले हैं, जिसके डायरेक्टर होंगे संगीत सिवान। दोस्तों काफी लंबे समय से यह प्रोजेक्ट डिले किया जा रहा है, पर अब इस प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू होगा, जिसके बाद 2023 के अंत तक आपको यह कॉमेडी ड्रामा मूवी पर्दे पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इनमें से कौन सी मूवी का इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप किस स्टार पर इस तरह की अपकमिंग मूवीज़ का वीडियो देखना चाहते हैं वह भी ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए अपने चैनल फिल्मी लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।